अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम है आसिकुन। आज आपको रेड चिकन हैदराबादी दिखाऊंगी। फटाफट ही वीडियो बनाती हूँ। 250 ग्राम चिकन है, बोनलेस पीस है। तो क्या करने का, ये मैंने 10 काजू इन 10 बादाम को भून लिया है। इसमें एक चम्मच मलाई डालती हूँ। इसको अच्छे से मिक्सर में क्रश कर लेती हूँ। साथ में इधर क्या क्या ऐड करती हूँ वो भी थोड़ा दिखा दूँ। ये घर की मेरी दही है। घर की दही कैसे जमाने का वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, मेरे चैनल पे है। तो ये 3 चम्मच मैंने दही डाला। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। अगर आपके पास कश्मीरी नहीं है तो नॉर्मल आपके रेड चिली पाउडर लेना है एंड फिर रेड फूड कलर ऐड करना। तो 2-2.5 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है। कसूरी मेथी है, हल्दी है, भुना हुआ जीरा पाउडर है और ये है लहसुन एंड अदरक की पेस्ट। ये सब गया। और ये तली हुई बड़ी साइज की तली हुई 3 प्याज है। वेरी इजी सिंपल सब्जी है। तो रमजान के इफ्तार के टाइम पे आप जरूर बनाना। और तब ये अभी बाद में मिक्स करती हूँ, तब तक ये पेस्ट बना के आती हूँ। अभी इसमें ये 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करती हूँ और जो हमने मिक्सर में क्रश किया था, अगर उसमें 1 चम्मच पानी भी डाल देना तो अच्छे से क्रश हो जाए। सबको अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा में रखती हूँ एंड फिर आगे क्या करने का वो मैं बताती हूँ आपको। सो चलो आधे घंटे के लिए बाय। आधा घंटा हो गया है चिकन को। इसमें 1 हरी मिर्च के 2 पीस डालिए। इधर मैंने क्या किया था, जो पैन में मैंने अभी प्याज फ्राई किया था उसमें थोड़ा तेल डाला है और 1 चम्मच जीरा, 2 इलायची, 8-10 लौंग, 8-10 ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च एंड 3-4 लौंग है। और इसको चिकन डालती हूँ। अभी इसमें पानी मत डालना। अभी ये अभी बाद में इसको साफ करने का पानी डाल के अभी फुल गैस पे 10 मिनट इसको अच्छे से कुक करना। फुल गैस पे अभी फुल गैस पे रखना और 10 मिनट इसको अच्छे से कुक करना। 10 मिनट हो गई है। अभी इसमें कटा हुआ पुदीना एंड कोथमीर डालती हूँ। ट्राई करना कि आपके पास पुदीना हो। मैं अभी पे लेके आई और अभी इसको स्लो गैस पे, ये जो मसाला था उसमें मैंने पानी डाला है 1 कप जितना, और अभी इसको ढक के मैं 10 मिनट रखती हूँ। 10 से 15 मिनट अच्छे से, थोड़ी चिकन सॉफ्ट तो हो गई है बट तो भी इसको 10 से 15 मिनट ढक के रखती हूँ एंड फिर डायरेक्ट अभी आपको दिखाती हूँ। वेरी इजी सिंपल है रेड चिकन हैदराबादी स्टाइल। सो मुझे कमेंट में बताना आपने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं की। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नहीं है तो फिर रेड फूड कलर भी एड कर देना। सो ओके, इसको ढक के रखती हूँ एंड फिर अभी आपको मैं दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए है और देख सकते हो लुक वेरी नाइस। गैस को बंद करती हूँ, थोड़ा ग्रेवी वाला रखती हूँ ताकि पराठे के साथ और जीरा राइस चावल के साथ ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। वेरी इजी सिंपल है, आप जरूर ट्राई करना रमजान में इफ्तार में भी। मुझे यहाँ से कमेंट में भी बताना है कि आपको ये डिश कैसी लगी। सो लुक वेरी नाइस एंड एकदम बोनलेस चिकन भी लेना तो आप देख सकते हो। तेल कम भी डाल सकते हो बट हैदराबादी लुक को दिया है सो थोड़ा तेल वाला एंड ऐसा सब क्रीमीनेस वाला रेसिपी है। तो मुझे यहाँ से कमेंट में बताना। एंड ऊपर से थोड़ी कोथमीर डालती हूँ। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद है। पसंद है तो यहाँ से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफुन डेडा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन एंड रमजान में इफ्तार में ये रेसिपी जरूर ट्राई करना है। मुझे यहाँ से कमेंट में बताना है आपके घर में ये सबको पसंद है कि नहीं है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।